हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं स्टूडेंट आपके लिए एक नया टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक है आज का वो है, उसका हम मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे। वो है आज का टॉपिक स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस। स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस मतलब कि विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम। जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि पुष्पक्रम क्या है, यानी कि इन्फ्लोरोसेंस क्या है। तो अरेंज ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड टू इन्फ्लोरोसेंस, यानी कि पुष्पों के लगने के क्रम को ही क्या कहा जाता है, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है। इसके पहले भी मैंने आपको बारे में बता चुका हूँ क्या होता है। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेसिम प्रकार का होता है यानी कि रेसिमोस प्रकार का, और एक होता है साइमोस प्रकार का होता है मतलब कि साइम प्रकार का होता है यानी कि साइमोस। असीमाक्ष और ससीमाक्ष के बारे में मैंने आपको पहले भी इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग इसके पहले से आप जानते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रकार के इन्फ्लोरोसेंस। अब बात आते हैं कि स्पेशल प्रकार का क्या होगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका क्या होता है, जो प्लांट एग्जिस्ट जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, प्लांट एग्जिस्ट जो होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है। और यह क्या हो जाता है, बाद में यह मॉडिफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है यानी कि रूपांतरित हो जाता है। और इस पर क्या होता है, इस प्लांट एग्जिस्ट पर क्या होते हैं, पाए जाने वाले जो फ्लावर होते हैं ना उनके ऊपर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, जो अलग अलग पुष्पक्रम के रूप में दिखाई देते हैं, जिसको हम आसानी से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए चलिए देखते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पुष्पक्रम है आपके सामने है, उसका नाम है क्या, साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम, यानी इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, कटोरिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है स्टूडेंट, कटोरिया मतलब होता है कटोरे के समान होगा, सभी लोगों को पता है कटोरा क्या होता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का होगा, क्या होगा। तो पहला कंडीशन ये होता है कि इस प्रकार का जो पुष्पक्रम जो होता है कि तो नीचे की ओर जो पाए जाने वाली जो क्या पाया जाता है, जो ब्रैक्ट होता है नीचे का जो होता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जितने भी ब्रैक्ट होंगे वह आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद ये जो ब्रैक्ट जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, प्याले के समान क्या कर लेते हैं, या कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बना लेते हैं। कौन, ब्रैक्ट बनाएगा। ब्रैक्ट जो है प्लांट के जो फ्लावर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है ना, पेडिसलेट वाले भाग पे अरेंज होता है ब्रैक्ट, तो वो आपस में अरेंज हो जाते हैं और प्लेट लाइक यानी कि प्याले लाइक स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण कर लेते हैं। और जो इस तरह से प्याले लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है उसको कहा जाता है क्या, नीचक्र कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है इन्वोल्यूट्स कहा जाता है। चलिए स्पेलिंग आपको समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ताकि पेपर में आप इसको सही लिख पाएँ। INVO INVOLUCRE इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, नीचक्र कहा जाता है, मतलब एक चक्र बन जाता है, समझ आ रहा है। चलिए इसको आपको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे कि ये देखो, ये जो क्या है, ब्रैक्ट है, ये जो आप देख रहे हो ये ब्रैक्ट है वाला, ओके। और ये ब्रैक्ट इस तरह से हो जाता है कि इस तरह अरेंज हो जाता है कि ये प्याले नुमा जो होता है ये इस तरह से, ये जो मैं येलो कलर से पूरी तरह से बना रहा हूँ, मैं इसको कवर कर रहा हूँ, ये प्याले नुमा संरचना बन गया, देखो इन्वोल्यूट्स कहा जाता है, समझ आया। मतलब कि जो ब्रैक्ट होगा वो क्या करता है, प्याले नुमा स्ट्रक्चर के रूप में अरेंज हो जाता है, ठीक। ये पहला कैरेक्टर हुआ। दूसरा देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो इन्वोल्यूकर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, मेल एवं फीमेल प्लांट क्या होते हैं, मेल फ्लावर और क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो होते हैं वहाँ पे लगे हुए होते हैं, समझ आया। मतलब कि मेल फ्लावर लगा होगा और क्या होता है, उसमें फीमेल फ्लावर लगे होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इन्वोक्युलर जो होते हैं उसके जो चारों साइड, जो इन्वोक्युलर के जिनके चारों ओर जो होता है वह क्या होता है, इसके इस तरह से अरेंज है मान के चलो, तो प्याले नुमा से इसके जो मध्य वाला जो भाग होता है, तो इसमें क्या होता है, फीमेल प्लांट जो होता है वो मध्य वाले भाग में होता है, और जो मेल जो फ्लावर होते हैं इस तरह से चारों साइड क्या होते हैं, मेल फ्लावर के क्या होते हैं, चारों साइड क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। जो मेल फ्लावर जो होता है उसका जो पेडिसलेट जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, इसलिए क्या होता है, वो बाहर निकला होगा। कौन, फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर कहाँ होगा, सेंट्रल में होगा। मेल फ्लावर कहाँ होगा,
वो होगा केंद्र में हो, सॉरी पेरिफेरल साइड में होगा, परिधि की ओर में क्या होगा, व्यवस्थित होगा। और इसका पेडिसलेट क्या होता है, वो बहुत ही लंबे होते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि जो मेल फ्लावर होता है उसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता है, मतलब कि ये क्या होते हैं, नेकेड फॉर्म में पाए जाएंगे, क्या होते हैं, नेकेड फॉर्म में पाए जाते हैं, इसमें पेरियंथ नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना, पेरियंथ मतलब क्या होता है, पेरियंथ मतलब क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि क्या होता है पेरियंथ। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो मेल फ्लावर का जो इन्विकुलर जो होता है, एक ग्लैंड पाई जाती है, जो मेल फ्लावर जो होता है ना यहाँ पे, उसमें इसमें एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे नेक्टर ग्लैंड कहते हैं, नेक्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जांपल से हम उदाहरण के रूप में डायग्राम से समझते हैं स्टूडेंट, तो और अच्छे समझ आएगा। देखो ये मेल, ये देखो ये ब्रेक्ट हुआ, ओके, ब्रेक्ट आपस में कवर्ड हुआ, ब्रेक्ट आपस में कवर्ड हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि इन्वेकुलर इन्वेकुलर का क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, ओके। और ये प्यालेनुमा संरचना बना, और ये किनारे किनारे भाग में कौन सा फ्लावर बताया मैंने, मेल फ्लावर, और बीचों बीच में कौन सा फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर होगा, और इसमें जो पेडिसलेट यानी कि इसका जो डंठल होता है बहुत ही लंबे होते हैं। ठीक है ना, मैंने यही बताया। और इसमें क्या होता है, एक ग्लैंड पाया जाता है मेल फ्लावर में जिसे नेक्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है ना, जो कटोरिया लाइक होता है इसलिए इसको साइथियम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। इस प्रकार का जो है स्टूडेंट, आपको जितने भी यू फोर बी ए सी फैमिली के जितने भी प्लांट होंगे सब में आपको इसी तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस मतलब कि आंवला में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टूडेंट पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था आपका, साइथियम प्रकार का, क्या हुआ आपका, साइथियम प्रकार का हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे प्रकार की ओर। तो दूसरा प्रकार है स्टूडेंट आपका वर्टिसिलास्टर। दूसरा है वर्टिसिलास्टर, यानी कि इसे कहा जाता है हिंदी में कूट चक्र। क्या कहा जाता है, कूट चक्र। अब क्या होगा देखेंगे, इस प्रकार का जो मेन एक्सिस के जो क्या होते हैं आपके नोड पर, जैसे ये मेन प्लांट हुआ, नोड जहाँ से क्या निकलता है स्टूडेंट, जहाँ से पत्तियाँ निकलता है उसे ही क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जब नोड पर, नोड के चारों ओर फ्लावर क्या होते हैं, ये नोड है जहाँ से पत्ती निकला, वहीं से क्या होते हैं गुच्छों में, वहीं से क्या होता है आपके गुच्छों में क्या निकलता है, फ्लावर निकलता है। तो वर्टिसिलास्टर का क्या होता है, वो कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, मतलब कि प्लांट जो होगा उसके नोड वाले भाग से पर फ्लावर का क्या होता है, बंच पाया जाता है। एक दूसरा, जहाँ पर क्या होता है एग्जिस के जो प्रत्येक नोड पर क्या होते हैं, यहीं पे नोड से क्या होगा, दो पत्तियाँ निकलेगी और वहीं से फ्लावर भी निकलेगा, मतलब कि पत्तियाँ निकलेगी और वहीं से क्या निकलता है आपका, पत्तियाँ निकलेगी और फ्लावर निकलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और वहीं पे क्या होता है, जो किसके रूप में काम करेगा, वो ब्रैक के रूप में काम करेगा, लीफ, ओके। और जितने भी यहाँ पे जो ब्रैक के जो होते हैं, यहाँ पर जो फ्लावर जो लगे रहेंगे वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो सेसाइल फॉर्म में लगे होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट स्टेम से लगे होंगे, डायरेक्ट क्या होंगे, स्टेम से लगे हुए होंगे। ठीक, दूसरा देखते हैं और नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कि जब कुछ नोड से निकलने वाली क्या होता है, तो नोड से निकलने वाली जो छोटी का सा, जैसे ये हो गया एग्जांपल समझेंगे तब समझ आ जाएगा आपको, ये नोड वाला भाग। ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है, कुछ फ्लावर के नोड से, ये नोड हो गया, नोड से निकलने वाली छोटी शाखाओं पर, मतलब कि यहाँ से एक शाखा निकला ये, ठीक, तो छोटी शाखाओं पर क्या होता है, अगर मतलब कि टर्मिनल रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे ये यहाँ से एक फ्लावर निकला, फिर इसके ये ऊपर में एक फ्लावर निकला, ओके, और इसके जो नीचे वाले जो भाग होते हैं, यहाँ पर से, यहाँ से क्या होगा, दो फ्लावर निकलते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, नोड का क्या हो जाता है, फ्लावर पर एक कूट चक्र बन जाता है, यानी वर्टिसिलास्टर हो जाता है, इसलिए इसको वर्टिसिलास्टर क्या कहा जाता है आपका, फ्लावर कहा जाता है। देखो ये मेन प्लांट हुआ, ओके, यहाँ से क्या हुआ, एक प्लांट निकला, मेन एक्सिस पे निकलेगा, जो
प्लांट पाया जाएगा और इसी के क्या होगा, इसी वाले भाग से दो फ्लावर जो होंगे वो दो फ्लावर कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। तो इस तरह से क्या हो जाता है, एक चक्र बन जाता है। क्या बन जाता है, इसका चक्र बन जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, आपका वर्टिसिलास्टर कहा जाता है। इसका एग्जांपल आप लेबिएटी फैमिली में यानी कि तुलसी में आप अच्छे से देख सकते हो। देखो ये तुलसी वाला भाग है, देखो ये मेन एक्सिस वाला भाग है, यहाँ से निकला ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक फ्लावर निकला और यहाँ से फिर क्या हुआ, दो निकले। मतलब कि इसको एक मानो, अग्रस्त वाला भाग बड़ा फ्लावर ये टर्मिनल वाला भाग पे होगा और यहीं से कितने फ्लावर निकलेंगे, दो निकलेंगे। सेम यहाँ से एक प्लांट निकला फ्लावर, वहीं से क्या निकलेंगे यहाँ पे, दो। तो इसका एक क्या बन जाता है, एक चक्र बन जाता है, साइकिल बन जाता है। तो वर्टिसिलास्टर प्रकार का इसको कहा जाता है ठीक है। और इसका एग्जांपल आपको मैंने अभी बताया क्या होगा, इसका एग्जांपल आपका तुलसी होता है। और ये कैसा प्लांट होता है, आपका सेसाइल वाला फ्लावर होता है। और इसके नीचे में जो लीफ लाइफ भी होता है वो क्या कहलाता है, आपका ब्रैक कहलाता है ठीक है। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला जो स्पेशल कैरेक्टर्स है वो कहलाता है क्या, हाई पैंथोडियम। लगता है मेरे पेन का जो है यहाँ पे इंक ख़राब हो गया है, चलिए मैं थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। हाई पैंथोडियम, इसको हिंदी में कहा जाता है उदम्बरक। इस प्रकार का जो इनफ्लोरोसेंस होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, अंदर से क्या होता है, खोखली गुहा के रूप में इस तरह से प्रेजेंट होता है ठीक है। और गुहा में जो चैम्बर होता है ना, चैम्बर पर क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा क्या होता है, होल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें होल पाया जाता है, जिसे एपरेटस कहा जाता है या अपर कुलम भी कहा जाता है। और इसी पे बहुत सारे इस तरह से अपर कुलम पर कुछ इस तरह से स्केल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, मेल प्लांट्स और क्या होते हैं, फीमेल फ्लावर्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अलग अलग होंगे ना, मेल फ्लावर अलग होंगे, फीमेल फ्लावर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब मेल फ्लावर जब लगेंगे तो फीमेल फ्लावर के जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस वाले भाग पर लगे हुए होते हैं। मतलब ये चैम्बर है ना इसका, ये चैम्बर है तो इसके बेस वाले भाग से, चलिए मैं रेड कलर से जो शो कर रहा हूँ मैं, जो रेड कलर से शो हो रहा है ना, वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, आपके मेल फ्लावर पाए जाएंगे। अगर फीमेल फ्लावर पाया जाएगा तो सॉरी क्या होगा कि मेल फ्लावर जो होता है वह जो होता है इस तरह के जो चैम्बर होता है उसके क्या पाया जाता है, उसके चैम्बर वाले भाग में पाया जाता है। और जो फीमेल फ्लावर जो होता है वह क्या होता है, सॉरी मिस्टेक ध्यान से सुनेंगे, मिस्टेक होगा ये कि जो फीमेल फ्लावर जो होता है वह चैम्बर के, ये जो होगा ये फीमेल फ्लावर होगा, मतलब कि चैम्बर के आधार पर पाया जाता है ठीक है। और जो मेल फ्लावर जो होता है वो अपर कुलम जो छिद्र जो होता है, पोर होता है, यहाँ पे पोर वाले भाग पे क्या पाया जाता है, आपका मेल फ्लावर पाया जाता है। और दोनों में ही क्या होता है, पेडिसलेट पाया जाएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। और इस प्रकार का जो एग्जांपल जो है आप देख सकते हैं, किसमें देखने को मिलेगा, आपका फाइकस यानी कि बरगद, और फाइकस मतलब होता है आपका अंजीर और बरगद यानी कि बेनियाइन ट्री, बरगद ठीक, इसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसका वो देख लेते हैं स्टूडेंट, डायग्राम में समझ लेते हैं। ये देखिए ये एपरेटस वाला भाग है, एपरेचर वाला जो होल होता है जिसे हम अपन अपर कुलम भी कह सकते हैं। और ये जो होता है होल होता है, होल वाले भाग पर इसके बेस वाले भाग है, मतलब यहाँ पे मेल फ्लावर होगा। और ये चैम्बर है तो चैम्बर का जो आधार वाला जो भाग है, नीचे वाला जो भाग है, यहाँ पर क्या होगा, आपका फीमेल फ्लावर पाया जाता है ठीक है स्टूडेंट। तो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये तीन प्लांट जो है स्पेशल प्रकार के जो होंगे उसको आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो है इसमें आपको हेल्प मिले ठीक है स्टूडेंट। तो आज की जो क्लास है आपको कैसा लगा, प्लीज़ इसे हमें बताइए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए ठीक है। अब अगली क्लास में होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्टूडेंट नमस्कार।